देखो आपने बहुत बार आलू का पराठा खाए रहोगे, कभी रेस्टोरेंट से, कभी ढाबे से या फिर कभी होटल से, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल देसी स्टाइल में आलू के पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है बनाने में, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा, और सॉफ्ट सारे टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। आप देखिए, आपको लेना लहसुन की कलियाँ 6 से 7, मिर्ची मैंने यहाँ पे 6 से 7 के यूज़ किया है, तीखा मुझे बनाना है, मुट्ठी भर का आपको लेना है धनिया, और इसी साथ में आपको डाल देना है नमक। अभी नमक आप जितना भी लगेगा, आप जितना भी बना रहे हो तो वो हिसाब से आपको नमक डाल देना है इसके अंदर, और आप इसे कूट लीजिए। ट्राई कीजिए कि आप इसको ग्राइंडिंग जार में ना पीसो, आप इसी तरीके से पीस लीजिए खलबट्टे में, अगर खलबट्टा नहीं तो ग्लास ले लीजिए और बेलन, उससे भी आप बेसिकली इसको कर सकते हो। और कुछ इस तरीके से आप देखिए इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। उसके बाद उबले हुए आलू आपको अच्छी तरीके से मैश कर लेना है, तेल गर्म हो जाए तो आपको यहाँ पर डालना है थोड़ा जीरा, साथ में जो आपने पेस्ट तैयार किया था आपको वो डाल देना है, और पेस्ट डालने के बाद आपको इसको ज़्यादा नहीं 10 से 15 सेकंड के लिए आपको इसको भून लेना है, और जब 10 से 15 सेकंड हो जाए तो आप डाल दीजिए यहाँ पर आधे चम्मच के आसपास हल्दी पाउडर और हरे मटर। हरे मटर आप उबले हुए हरे मटर का यूज़ कर सकते हो अगर वो ज़्यादा हार्ड आपको लग रहा है, अगर छोटे दाने का है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ले सकते हो उसे। उसके बाद उबले हुए आलू जो मैंने मैश की थी वो डाल देना है आपको, और धनिया की पत्ती, ये सारी चीज़ें डालकर आपको इसको अच्छी तरीके से करना है मिक्स। और गैस यकीन कीजिए इसके अंदर हम किसी भी मसाले का यूज़ नहीं करते, लेकिन इसका स्टफिंग बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। अभी आपको क्या करना है, 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से लो फ्लेम पे मिक्स कर लेना है, और जब ये हो जाए तो गैस का फ्लेम आप कर दीजिए बंद, उसको ठंडा होने दीजिए। तब तक के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको लेना है डो बनाने के लिए बेसन और गेहूं का आटा। बेसन और गेहूं के आटे की क्वांटिटी में इक्वल क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ, 1 कटोरी गेहूं का आटा है, 1 कटोरी बेसन। आप कम ज़्यादा कर सकते हो या फिर आप पूरा गेहूं के आटे से भी बना सकते हो। अजवाइन डालना है, नमक डालना है, और पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए, जैसे आप रोटी बनाने के लिए करते हो। उसके बाद रोटी जितनी आपको लोई लेनी है, अच्छी तरीके से इसको आपको बेल लेना है, तो इसका साइज़ आपको बेसिकली मैं आपको अभी वीडियो में दिखा रही हूँ, आपको उतना उसकी साइज़ रखनी है, या फिर आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, बहुत बड़ा साइज़ भी मत कीजिए, फिर वो स्टफिंग या फिर वो पट्टी बहुत पतली हो जाएगी। अभी आप देख सकते हो 2 चम्मच के आसपास मैं आलू के स्टफिंग का यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से अगर आप शेप देना चाहते हो तो इस तरीके से इसको फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा आटा लगा के इसको बेल लेना है। इस तरीके के शेप बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जो आलू की स्टफिंग है वो चारों ओर से अच्छी तरीके से फैल जाती है। आप चाहो तो आप इसे गोल शेप में भी बना सकते हो, और आपको इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, अदरवाइज हो सकता है कि ये टूट सकता है। ठीक है, जब तवा अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो आपको आलू के पराठे को इसके ऊपर डाल देना है। गैस का फ्लेम इस टाइम पर आपको गाइस मीडियम पर रखना है। अगर आपको आलू का पराठा सॉफ्ट चाहिए तो आप मीडियम पर रखिए, अगर आपको को क्रिस्पी बनाना है तो आप लो पे रख के इसे बना सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगी ऑफकोर्स इसको मीडियम पे रखिए, क्योंकि आलू का पराठा क्रिस्पी से ज़्यादा अच्छा जब वो सॉफ्ट बनता है तो लगता है। अभी आप देखिए जब इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा थोड़ा, तो आप इसको पलटी करके आप घी या फिर आप तेल का यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। अभी आप देखिए इसका जब कलर चेंज होते रहेगा आपको इसको पलटी करते रहना है, और अभी आप देख सकते हो इसका कलर अच्छी तरीके से हो गया है। अभी आपको इसको निकाल लेना है, और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि आपको इसको किसके साथ खाना है जो आलू के पराठे का टेस्ट बढ़ा दे, तो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तब तक के लिए देखिए गैस का फ्लेम आप बंद। अभी आपको इसको किसके साथ खाना है वो भी मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताऊँगी। गाइस यहाँ पर एक चीज़ और, बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए, जिनसे उनको वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती, तो आप अभी जाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको रेसिपी की डिटेल्स मिल जाएगी, अपडेट्स। और गैस आप इसे दही के साथ में या टमेटो केचप के साथ में इंजॉय कर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर से बताना आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।